एक समय की बात है, एक जंगल से दो चोर गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें काफ़ी रात हो जाती है और साथ ही साथ तेज़ बारिश भी होने लगती है, तो वह रात भर रुकने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और दोनों उस झोपड़ी की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन पीछे से उनको एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तेजी से उस झोपड़ी की तरफ भाग के चले जाते हैं और घबराहट में झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तभी झोपड़ी में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल के बाहर आता है और वह उन दोनों व्यक्ति से पूछता है कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं। तभी दोनों चोर उन्हें बोलते हैं कि बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है और काफ़ी बारिश भी हो रही है, तो हमें रात पर रुकने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने रुकने के लिए उन्हें थोड़ी जगह दे दी और उनसे कहा कि आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। कुछ देर के बाद वह व्यक्ति उनके लिए खाना लेके आता है। तभी उनमें से एक चोर उस व्यक्ति से पूछता है, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व मेरी एक पुत्री हुआ करती थी और मेरे पास काफ़ी धन दौलत भी हुआ करती थी। एक दिन मैं किसी काम से गांव से बाहर चला गया था, पीछे से दो चोर मेरे घर में घुस गए और मेरी पुत्री से खजाने के बारे में पूछने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया और गुस्से में आके उन दोनों चोरों ने मेरी पुत्री की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद दोनों चोर वहां से भाग गए और उन्हें खजाना भी नहीं मिला। और यह कह के वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। तब वह दोनों चोर सोचते हैं कि खजाना तो उन दोनों चोरों को नहीं मिला, क्यों ना हम ढूंढे और हमें मिल सकता है। तब वह दोनों चोर खजाने की तलाश में घर को पूरा छान मारते हैं और उन दोनों को वह खजाना मिल जाता है। जैसे ही वह खजाना उनको मिलता है, वह दोनों बाहर आते हैं, उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह उसे देख के काफ़ी डर जाते हैं और पोटली को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं।